हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेली डिस्कस करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए खासतौर पर बनाया गया है और यह डेली एडिशन का होता है। तो आज है 15 फरवरी 2019। तो चलिए देखते हैं आज की एडिटोरियल की करंट अफेयर्स। और इससे पहले आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, हम आपको बता दें हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए चैनल बनाया गया है, जहाँ पर आपको यह सब वीडियो मिल जाएंगे। राजनीति से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, इतिहास की एनसीईआरटी के लेक्चर मिल जाएंगे, भूगोल की एनसीईआरटी के लेक्चर मिल जाएंगे, और इन सब पर अभी आगे आने वाले समय में आपको और ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो, जिस भी लेक्चर का, उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस नहीं होगा। साथ ही आपको यहाँ पर पीबीआई का जो बोल रहे थे आप लोग, तो यहाँ पर इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही यह वीडियो खत्म होगा, अभी आप यह वीडियो आज से आपको यह वीडियो मिलने लगेंगे। काफी शानदार इन्फॉर्मेशन आई है इस वाले वीडियो में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह वीडियो अगर आप देख लेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह मिस नहीं होगा। तो एक बार इसको जरूर चेकआउट करें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह के जो वीडियो आते हैं, इसमें और एनर्जी के साथ वीडियो बनाने का मन करता है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लें और साथ ही वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन तक यह वीडियो पहुँचे। साथ ही वीडियो को कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनके आंसर कमेंट में दें। इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ना। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा मैप है, हम इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम इंडिया के सभी जो राज्य हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे देशों की। तो इंडिया के आसपास के देश देख लेते हैं। इंडिया की राजधानी हमें पता है न्यू दिल्ली है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानियां बतानी है आपको, दो हैं, तो अलग अलग सीजन में रहती हैं। अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है इसमें अलग होती है, गर्मी के सीजन में अलग होती है, तो वह बताना है। और इनके राज्यपाल जो है, इनका नाम भी आप बता दें, काफी अच्छा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज यह आर्टिकल न्यूज में आया है, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो आप यह जरूर बताएं। और आज हम डिस्कस करेंगे नेपाल को। तो आप देख सकते हैं नेपाल का मैप कुछ इस तरह का है। इसे सैंडविच भी बोल दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि यह चाइना, ऊपर देखेंगे आप चाइना हो गया, नीचे हो गया इंडिया यहाँ पर पार्ट, तो इसके बीच में एक तरीके से यह देखेंगे आप यहाँ पर, या यहाँ देख लें, एक सैंडविच की तरह रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखें, इसका मैप थोड़ा सा इस तरह का है, तो इसे आप याद रखें। साथ ही आप देखेंगे चाइना किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो देखिए नेपाल इंडिया और चाइना दोनों के साथ बॉर्डर कर सकता है, लेकिन इंडिया की कौन कौन से राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वह देख लेते हैं। एक तो हो गया यह ऊपर उत्तराखंड, दूसरा हो गया नीचे उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया यहाँ पर सिक्किम, पांचवा हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है। कितने हो गए? पांच राज्य हो गए जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के, तो यह याद रखें। राजधानी है यहाँ की काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के एडिटोरियल पेज की तरफ, जिसमें पहली जो न्यूज आई है यहाँ पर, जो हमारा लोकतंत्र है उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस या थोड़ी सी परेशानी या सिरदर्द कहें तो वह चीज बताई जा रही। क्यों? क्योंकि 2018 में कुछ इस तरह के केस निकल के आए हैं, जिससे कि जो लोकतंत्र है उस पर थोड़ा सा सिरदर्द या उसको थोड़ा सा खतरा या थोड़ी सी परेशानी हुई है, तो उससे संबंधित बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो अभी कैग की रिपोर्ट निकल के आई थी राफेल के ऊपर, कहा था कि 2007 की डील है उससे सस्ती डील हुई है 2016 में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल फिर से निकल के आया है, तो इसको भी हम थोड़ा देखेंगे क्या नए पॉइंट आए हैं, वह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यह वाला आर्टिकल, कर्नाटका की पॉलिटिकल बातें बताई जा रही कि कैसे वह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, कैसे शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है बीजेपी वगैरह सरकार है या फिर जो गठबंधन की सरकारें हैं उनकी बात की जा रही है, तो यह आर्टिकल भी हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार है, इसकी थोड़ी सी बड़ाई की जा रही है, यहाँ पर थोड़ी कटाई की गई है, यहाँ पर थोड़ी बड़ाई की जा रही है, और तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं, जो डाटा आया है वह हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।
इसी के साथ आज शुक्रवार, तो आज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं और लोग यहाँ पर आंसर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, और यह कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यह पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन है कि जो बेरोजगारी का जो अभी क्राइसिस चल रही है वो सही है या गलत, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको भी थोड़ा हम इस पर देखेंगे, डिटेल में समझ लेंगे। कार्टून सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद यहाँ आंकड़े आए हैं, अभी हमने देखा कि 2018-19 में यहाँ पर जो पार्लियामेंट का सेशन था, 16वां सेशन था, वह खत्म हो गया है। तो कितना किसने काम किया यहाँ पर, कौन सी पार्टी के मेंबर्स आज सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहे यहाँ पर, कैसा काम चला है, वह सब बात की जा रही है, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले न्यूज आर्टिकल की तरफ। पहला न्यूज आर्टिकल जैसा कि आपको पता है आया है यहाँ से, लोकतंत्र के तनाव बिंदु। लोकतंत्र के तनाव बिंदु कौन कौन से हैं, किस बात का तनाव यहाँ पर लोकतंत्र पे आ रहा है। भारत में इस चुनावी साल में, यानी कि देखो 2019 है, चुनाव आने वाला है लोकसभा का, हमें संस्थानों के कमजोर पड़ने पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। यानी कि देखिए संस्थान है वह किस तरह से कमजोर पड़ जाते हैं और कौन कौन से संस्थान है वह बात की जा रही है, तो इसको हम अभी देखेंगे आगे आने वाले एक दो पॉइंट में। पहले यह देख लेते हैं, यह कठिन है, साथ ही अनिश्चित समय भी है, यह उन मुद्दों की जटिलता नहीं है जो दुनिया का सामना करते हैं, जितना कि संस्थागत और ज्ञान संरचनाओं का लगातार कमजोर होना जो दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है। यानी कि देखिए जैसे कि संस्थान होते हैं कुछ, वो आरबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आगे आएंगे ये पॉइंट, तो इस तरह के अगर संस्थान है जो कि इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अगर ये कमजोर हो जाएंगे तो जो लोकतंत्र या जो दुनिया का एक तरीके से जो संरचना है, ढांचा है, वह कमजोर हो जाता है, तो उसको कमजोर बनाता है, तो उसकी बात की जा रही है। अब अगर दुनिया भर में अगर हम नजर डालें इसकी, तो लोकतंत्र स्पष्ट रूप से पीछे हटने के साथ है, यानी कि लोकतंत्र एक तरीके से पीछा हटता जा रहा है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ सही बात है, आरओबी यह सत्तावादी प्रवृत्ति के साथ है, यानी कि इस तरह की सत्तावादी प्रवृत्ति चल रही है, सत्ता करनी है, काम नहीं करना है, दबाना है, एक तरीके डिक्टेटर से तानाशाह बनना है। जैसा कि देखिए रूस का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहां के व्लादिमीर पुतिन है वह इस तरह काम करते हैं, चीन के सी जिनपिंग है, तुर्की के रेसिप तैयब एर्दोगन हैं, जो लगातार सत्तावाद के चेहरे के रूप में पेश किया जाता है, यह लगातार यही जीत के आते हैं, यही यहाँ पर लीडर रहते हैं हर बार, तो इनके तरीके से यहाँ पर तानाशाही की इनके द्वारा की जाती है। लेकिन कई लोकतांत्रिक नेता एक समान सत्तावादी लकीर को उजागर करते हैं, ठीक है, एक समान, ठीक है, जो लोकतंत्र के संकट को बढ़ाता है, यानी कि लोकतंत्र पर संकट ही है अगर यही है यहाँ पर रहते हैं, इनके द्वारा ही सरकार चलाई जाती है हर बार, इनके द्वारा अपनी मनमर्जी से काम किए जाते हैं, तो लोकतंत्र के ऊपर संकट है। यह लोकतंत्र के पतन की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी हो सकती है। हम अब भविष्यवाणी अगर करें कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है या इसका खात्मा हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो यह जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए, यह लोकतंत्र को दुनिया की समस्याओं के जवाब के रूप में देखने वालों के लिए अच्छा समय नहीं है। यानी कि समय ऐसा है कि आप सोच ही नहीं सकते कि लोकतंत्र चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आप चीजें ऐसी हो रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अभी हमने चाइना, जापान और तुर्की का देख लिया, अब यहाँ पर अगर हम अमेरिका का देखें तो उसके बाद भी आप देखिए क्या होता है, हर जगह यही उदाहरण मिलता है, कई उदाहरण दुनिया भर में मौजूद है, जैसे कैसे चर्चा और बहस के परिणाम के बजाय आज निर्णय जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बहस नहीं होती, पर कोई भी फैसला लिया जाता है उसके ऊपर बहस नहीं होती, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, सीधे फैसले ले लिए जाते हैं। कुछ शक्तिशाली सदस्यों के नुस्खे के अनुरूप विश्व बैंक जैसे पवित्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज गर्मी का सामना कर रहे हैं, यानी कि विश्व बैंक के ऊपर भी यहाँ पर एक तरीके से परेशानी आ रही है, साथ ही लोकतंत्र के पर्याप्त उदाहरणों को लेकर चिंतित हैं। ब्रिटेन और यूरोप से में ब्रेग्जिट और ब्रेग्जिट बहस का अच्छा उदाहरण है, यानी कि देखिए ब्रेग्जिट हो रहा है जो, वह भी एक उदाहरण यहाँ पर चिंता बताता है। दूसरा उदाहरण क्या है, अमेरिका जो खुद को एक अग्रणी लोकतंत्र के रूप में दर्शाता है आज एक बुरा उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत मनमाने ढंग से निर्णय लेने ने सूची बहस को बदल दिया है, उनके खिलाफ एक अपमानजनक पक्षपातपूर्ण जांच, जिसे वे अपमानजनक पक्षपातपूर्ण कहते हैं, यानी कि इनके अगर ऊपर जांच भी की जा रही है तो यह अपमानजनक पक्षपातपूर्ण जांच है उसको ये इसका नाम दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हालत है अमेरिका जैसे देशों में।
डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं। एक संकेत है एक और मैक्सिकन अप्रवासियों को बाहर रखने, यानी कि जो मैक्सिको के लोग हैं, जो अप्रवासी लोग हैं उनको बाहर रखा जा रहा है इनके द्वारा। दीवार उठाने की बात की जाती है मैक्सिका और अमेरिका के बीच में, तो इस तरह की चीजें इनके द्वारा की जा रही है। साथ ही अमेरिकी सरकार के एक विस्तारित शटडाउन को जोखिम में डालना है, अमेरिका द्वारा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से हटने का निर्णय 1987 में हस्ताक्षरित एक प्रमुख संधि और शीत युद्ध के बाद से यूरोपीय सुरक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में स्वागत कर किया गया है। बिना विस्तृत आंतरिक चर्चा के शीत युद्ध के लिए मंच की स्थापना करना प्रतीत होता है, यानी कि देखिए ना कोई बात कर रहे हैं, ना कोई सलाह मशवरा दिया जा रहा है लोगों से, डायरेक्ट ये बाहर निकल जा रहे हैं, चाहे वह इससे निकले हों, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज से निकल रहे हों या मैक्सिको वाला केस हो। तो इस तरह की चीजें इनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि एक तरीके से लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि यह अधिक निकट चिंता का कारण है कि घर के पास लोकतांत्रिक सम्मेलनों की अनदेखी की जा रही है, यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। अब कि हमारे घर में देखा जाए तो यहाँ पर सम्मेलन है जो लोकतंत्र के, इनकी अनदेखी की जा रही है। एक बहुदलीय बहुपक्षीय संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक सम्मेलनों के लिए तिरस्कार और अच्छी तरह से व्यवहार किए गए व्यवहार पैटर्न के उल्लंघन के कारण राजनीति को अपरिवर्तनीय क्षति हो रही है। किस तरह की, क्योंकि देखिए यह बहुविपक्षीय संघ है, यानी कि बहुत बड़ा हमारा संघ है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो उसमें यह सब चीजें हो रही हैं। कैसे, अब हम देख लेते हैं इंडिया के बारे में संघीय पतन किस तरह से हो रहा है वो देख लिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री और कुछ मुख्यमंत्रियों के बीच विवाद इस पद आदान प्रदान देख रहे हैं, जैसे कि आप देखिएगा ममता बनर्जी हो गई जो आरोप लगाती रहती है, या फिर प्रधानमंत्री हो गए, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल है या फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो इनके द्वारा ये सब चीजें की जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए ये नजर आते हैं, जिसमें दंगे भड़काने और जबरन वसूली रैकेट चलाने जैसे आरोप शामिल हैं। इस तरह के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। यह लोकतंत्र के ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। केंद्र राज्य संबंध पहले से ही तनाव में है और अभी भी अधिक व्यवधान के खतरे का सामना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें चल रही हैं, किस तरह से हमारा जो संघवाद है, राज्यों से मिलकर जो इंडिया बना है, उसके ऊपर भी एक तरीके का खतरा यहाँ बताया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट उदाहरण जिसने जनता के फैंस को पकड़ा है वह नौकरियों और बेरोजगारी पर मसौदा है। यानी कि देखिए एक और अभी लेटेस्ट में चल रहा है नौकरियों पर खतरा, और जो लोग बेरोजगारी का जो डाटा निकल के आ रहा है वह भी एक तरीके का मसौदा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने सुविचारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की एक रिपोर्ट को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया, यानी कि इनकी रिपोर्ट निकल के आई है, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, नमूना है, कार्यालय की एक रिपोर्ट आई थी, सरकार ने इसको खारिज कर दिया है, जिसमें पता चलता है कि 2017-18 में बेरोजगारी 45 साल की ऊंचाई पर थी, यानी 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस 2017-18 के दशक में है। तो इसको इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव में नुकसान होगा। ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण दिए बिना, यानी कि कोई भी कारण यहाँ पर नहीं दिया गया है और खारिज कर दिया है। रिपोर्ट को खारिज करने का सरकार का एकमात्र तर्क यह है कि यह एक मसौदा है जिसने केवल अपने मौजूदा इरादों के बारे में मौजूदा संदेश को जोड़ा है, यानी कि सरकार के द्वारा बस यही कहा जाता है कि चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसी चीजें की जा रही है। इसी तरह सरकार को संशोधित GDP अनुमानों की वैधता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि जो GDP है उसके जो अनुमान है उसकी वैधता पर भी यहाँ पर संकेत किए जा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका मसौदा निकल के आया था 2018-19 में चला, तो यहाँ के यह मसौदे इस तरह के जो काम चल रहे थे कि यहाँ के जो RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, तो इस तरह की चीजें इसमें भी चली, तो यह भी एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ यह एक अकेला ऐसी संस्थान नहीं है RBI, इसके साथ साथ CBI का केस चल रहा था, तो यह इतने सारे ऐसे केस चले आ रहे हैं जिससे एक तरीके से लगता है कि जो लोकतंत्र या संघवाद है, इस तरह की चीजें, इन पर एक तरीके का खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग चुका होगा क्या आर्टिकल है, आप इन्हें एक बार PDF से जरूर पढ़ लें तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको आर्टिकल अच्छा एक तरीके से समझ में आ जाएगा, बाकी सारी की सारी बातें आपको सही तरीके से बता दी गई हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आया है जो CAG की रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है,
भारत के नियंत्रक, इनकी बात की जा रही है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है? अल अलबी, राजीव महर्षि, IAS, 25 सितंबर 2017 से हैं ये, ठीक है। किनको, इन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। नियुक्त कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो आपको पता होगा कि किसी भी पोस्ट होती है जो, ठीक है, उसको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और कुछ पोस्टों के लिए प्रधानमंत्री की एक पीठ होती है, उसके द्वारा चुना जाता है। अवधि इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहती है, ठीक है। उद्घाटन करने वाला बी नरहरि राव है, ठीक है। डिप्टी, भारत के उप नियंत्रक और लेखा परीक्षक है। तो थोड़ा इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, काफी न्यूज में है और यह संस्थान भी न्यूज में है, इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर क्या न्यूज आई है वह देख लेते हैं हम। तो लेखा परीक्षक का खाता, कैग की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में सभी संदेह नहीं है, यानी कि सही तरीके से अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या सही है क्या गलत। 36 राफेल फाइटर जेट हासिल करने की प्रक्रिया पर मूल पुनर्वितरित ऑडिट रिपोर्ट में सौदे पर विवाद को बंद करने की संभावना नहीं है, ठीक है। कोई संभावना नहीं कि अभी ये जो मुद्दा चल रहा है इसको बंद कर दिया जाएगा इसकी रिपोर्ट पर, ठीक है। संसद में क्योंकि रिपोर्ट निकल के आई, रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 2007 में डील हुई थी और 2016 में डील हुई थी, तो 2016 की डील सस्ती है 2.86% किससे? 2007 की डील से, कांग्रेस UPI सरकार की डील हुई थी, और जो NDA की डील हुई थी तो NDA की डील सस्ती है, ठीक है। तो यह बात कही जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है संसद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टीम की रिपोर्ट विपक्ष को जोरदार अभियान के बीच आती है, जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। संभव है कि भारत के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा उठाए गए संभावित चूक और विचलन के बारे में मीडिया के खुलासे पर आधारित हो वार्ता टीम INT की। तो यह इस तरह की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही मोदी सरकार इस तथ्य से आराम पा सकती है कि यहां पर यह डील सस्ती बताई गई इसके द्वारा। साथ ही आप यहां पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए, एक तो इनने NDA की सरकार थी जो, अगर मोदी जी की सरकार, तो इनने दावा किया था कि हमारी डील 9% सस्ती है, लेकिन एक तरीके का यह भ्रम बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि डील तो सिर्फ 2.686% सस्ती निकली है, ना कि 9%। तो यह एक पॉइंट निकल के यहाँ पर आता है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे, निराशाजनक रूप से CAG ने इस राशि को निर्धारित नहीं किया है, हालांकि यह घोषणा करता है कि इसे रक्षा मंत्रालय को पारित किया जाना चाहिए था। डसॉल्ट द्वारा 2007 की पेशकश की गई कीमत की बैंक शुल्क शामिल थे, और 2016 में अनुबंध इसकी अनुपस्थिति कंपनी के लिए एक स्पष्ट लाभ है। दूसरे शब्दों में लाभ 2.86% से कम है। कैग ने डसॉल्ट एविएशन को बैंक गारंटी की अनुपस्थिति के लिए के किए गए लाभ को बरकरार रखने की अनुमति दी है, जिसे निष्पादित करने पर महत्वपूर्ण शुल्क के साथ आया होगा। तो यह सब बातें की जा रही है। पहले 126 विमान खरीदे जाने थे, राफेल विमान, फाइटर विमान, अब 36 विमान खरीदे जाएंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये सब चीजें चली आ रही हैं, जो कि आज देखिए आप सही बात बताई जाए तो देखो चुनाव आ रहे हैं तो मुद्दे नहीं मिलते हैं, तो कई बार मुद्दे बना लिए जाते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, तो थोड़ा आपको भी थोड़ा यहाँ पर न्यूज पता रहनी चाहिए कहाँ पर क्या चल रहा है। साथ ही यहाँ पर अगली जो आर्टिकल है वह देख लेते हैं हम। यहाँ पर बात की जा रही है, वास्तविकता को हटाया गया, भारत चीजों को क्रम में रखने की तुलना में सामाजिक समरसता को बनाए रखने में अधिक रुचि रखता है। तो किस तरह से वास्तविकता को हटाया जा रहा है यहाँ पर, एक तरीके से अभी देखिए, हमने देखा कि सरकार के ऊपर एक कटाक्ष कसा गया राफेल के ऊपर, अब यहाँ पर बात की जा रही है सफाई देने की। तो 2019 के आम चुनाव में जो चुनाव आ रहे हैं, तो उस पर जो कुछ भी दांव पे लगा है उसे देखते हुए हालिया सर्वेक्षणों में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, जहां बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे भरोसेमंद नेता पाया और उनका नेतृत्व विदेशों में देश की छवि को बढ़ाता है। यह बात तो सही है कि मोदी जी, एक तरीके से भरोसा तो इनके ऊपर लोगों का है, और इनकी जो छवि बनी है विदेशों में वह भी अतुलनीय है। सोशल मीडिया के इस युग में प्रशंसा की भूख अबाध है, जो देश की वैश्विक छवि के साथ इस राष्ट्रीय निर्धारण की व्याख्या कर सकती है। कई क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति के अभाव में भारत की प्रगति की साबित करने की इस लालसा ने परिणाम स्वरूप सरकार और देश के लिए कुछ अजीब क्षण आ गए हैं। किस तरह के वह देखते हैं कि आज के समय में, देखिए सोशल मीडिया का समय में
1 मिनट में न्यूज यहां से वहां पहुंच जाती है, इस छोर से उस छोर पर। तो आज के समय में प्रशंसा तो एक तरीके की आवाज बताई जा रही है, और आज के समय में जो काम किए जा रहे हैं वह एक तरीके से बताए जा रहे हैं कि किस तरह के हैं। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नया वीडियो था। वंदे भारत एक्सप्रेस आई है यहाँ पर, तो इसका नाम आया तो आपको बता दें कि पीआई में डिटेल में डिस्कस करने किया है हमने कि वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, क्या है यह, इसकी क्या फैसिलिटी है। इसलिए पीबीआई है, इसके वीडियो जरूर देखें आप, तो इसके बारे में देख लेते हैं। और आगे इनके द्वारा कहा गया है, इस छवि आवश्यकता को अन्य समाजशास्त्रीय निष्कर्षों से जोड़ने के लिए पर्याप्त डेटा है। संयुक्त राष्ट्र के 2018 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत अधिकृत पैलेस्टीन क्षेत्रों की तुलना में निम्नतर है, यानी कि जो इसको कंपेयर किया जा रहा है दुनिया भर में, तो अगर पैलेस्टीन से देखा जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि दुनिया में खुशी वाला क्षेत्र है, जो इससे भी नीचे है पैलेस्टीन की तुलना में निम्नतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे उदास देश है। 2015 में भारत एक सामाजिक स्थिरता सूचकांक में चौथे स्थान पर रहा है। 2018 ग्लोबल पीस इंडेक्स में यह 163 देशों और क्षेत्रों में 137वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि पीस के क्षेत्र में देख लीजिएगा कि 137वें स्थान पर है 163 देशों के। तो अभी भी शांति यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रही है, यह इसका जो आंकड़े हैं इसको और सुधारने की बात की जा सकती है। इसमें विरोधाभास निहित है। आंतरिक शत्रुता की बड़ी खुराक से निपटने वाला एक नाखुश और उदास देश की छवि को बढ़ाने की अपनी नेता की क्षमता से चिंतित है। ठीक है, देखिए एक तो आंकड़े यह बताते हैं इसीलिए इस छवि को यहाँ पर और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। यह इम्प्रेशन मैनेजमेंट की रणनीति के लिए एक स्वाभाविक कोरोलरी है, एक धारणा जो हाल में वर्षों में प्रचलन में आने के बाद प्रचलन में आई है। उदाहरण के लिए श्री मोदी 56 इंच के सीने और उनके द्वारा वैश्विक नेताओं को दिए जाने वाले भालू के बारे में जनता और मीडिया के संदर्भ पर विचार करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर देखेंगे यह सब स्पष्ट रूप से नीति प्रदर्शन के व्यापक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। किस तरह की नीति है, किस तरह के प्रश्न है, इनसे जुड़ी बात की जा रही है। इस बात पर कभी ध्यान ना दें कि 2016 में नियंत्रण रखने के पार होने वाली गतिविधियां जैसे कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक है, को लोगों ने कुछ मामलों में विफल होने के लिए देखा। प्रधानमंत्री की मात्र छवि ही निर्णायक है, और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन नीतियों को चलाने के लिए दिन दूना पर्याप्त है। यह आवा पिछली सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लेने के लिए वैध है। तो आप कुछ भी कहिए, जो काम कर रही है सरकार सही है। आज के समय में जो सरकारों ने पहले काम किया वो सही था अपने अपने क्षेत्र में, तो ऐसा कहना गलत होगा। और शांति की बात करें तो इंडिया अभी तक का बेस्ट है, इंडिया के लोग जो बहुत खुशहाली से साथ रहते हैं, तो यह बात की जा रही है, लेकिन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनसे हम उनको नकार नहीं सकते। तो आप, यह था हमारा आर्टिकल, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर क्या बात की जा रही है, कहाँ से कौन सी रिपोर्ट निकल के आई है, वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए अभी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट था, जो सरकार थी बीजेपी, इसने 16वां लोकसभा का यहाँ पर जो पार्लियामेंट का सेशन था यह खत्म किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी 2014 से 2019 तक कौन सा सेशन चला, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लोकसभा की जो सेशन हुए हैं वह 16 सेशन हुए हैं। तो यह एनडीए सरकार ने 16वां सेशन कंप्लीट किया, काफी एक्टिव रहा यह, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सबसे ज्यादा बीजेपी की सदस्य थे, इनकी अटेंडेंस थी यहाँ पर 86% थी, देख सकते हैं। और अगर अटेंडेंस देखे तो सभी की 60% से तो ऊपर थी ही थी, तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर जो सभी पार्टी के नेता थे यहाँ पर गए और अच्छा काम किया इनने। सबसे ज्यादा कौन सा नेता था, कौन से एमपी थे, मेंबर पार्लियामेंट थे जो गए, तो भैरवन मिश्रा थे यूपी के, जिनने 2095 डिबेट में भाग लिया सबसे ज्यादा। ठीक है, पीसी चंदेल एचपी के एमपी थे इनने 1884 में, और यहाँ पर देख सकते हैं नाम दिए हैं तो इनको आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप बिलिंग, कौन कौन सी टॉप बिलिंग हुई है, कहाँ कहाँ पे, ये यहाँ पर डाटा दिया गया है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर बात की जा रही है
क्या बेरोजगारी का संकट है, ये आज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले जो व्यक्ति है वही कह रहे हैं जी हाँ बेरोजगारी, यहाँ अगर रोजगार के अवसर, औपचारिक नौकरियां और श्रम बल सभी सिकुड़ रहे हैं, सबकी कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंकड़े यह बताए जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों से मुंह नहीं फेरा जा सकता, और इनको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नौकरियों की कमी आती जा रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह बात इनके द्वारा कही जा रही है कि हाँ यहाँ पर नौकरियों की कमी आ रही है। तो इस आंकड़ों को आप पढ़ लें, PDF से पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फिर दूसरे जो व्यक्ति है वह कह रहे हैं कि देखिये सर्वेक्षण में इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली संदिग्ध है, ठीक है। जो आंकड़े आए हैं वह प्रणाली जो यूज की गई है उन आंकड़ों को लाने के लिए, वह उस पर एक तरीके से संदेह जताया जा रहा है इनके द्वारा। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह गलत है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो यह नो कह रहे हैं, क्योंकि जो कार्यप्रणाली यूज की गई है, भारत के पास मजदूरी की समस्या है, इसमें जो आंकड़े आए हैं, इसमें जो जो यहाँ पर चीजें यूज की गई हैं, जो यहाँ पर आंकड़े लेके आई है जो संस्था, उसको एक तरीके से उनके ऊपर संदेह जताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस इनके द्वारा एक तरीके से किस तरह से यहाँ पर बातों को कहा जा रहा है कि गलत तरीके से बातें यहाँ पर बाहर निकाली जा रही है। अब जो तीसरे व्यक्ति हैं वह कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है यह कहना कि नौकरियां कम हो रही हैं या ज्यादा, क्योंकि देखिए एक तो मोदी जी हैं, इनका यही नारा चलता है कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला चलना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ पर अपने अपने बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है, इंटर्नशिप आ रही है, फिर सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, उसके इसमें जा रहे हैं, अपना अपना रोजगार ला रहे हैं, स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं बहुत सारे। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो यह नहीं कहा जा सकता नौकरियां कम हो रही हैं, और अगर नौकरियां कम हो रही हैं तो वह एक तरीके से चिंता का विषय है, क्योंकि रोजगार यहाँ पर क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वह सब बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा कि नौकरियां खत्म हो रही हैं या बढ़ रही हैं, ठीक है, आज के समय में यह बात इनके द्वारा की जा रही है। तो यह था हमारा आज का क्वेश्चन वाला, तो आप इनको जरूर पढ़ लें, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत दुखद न्यूज आई है तो इसको देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से निकल के आई है कि यहाँ पर जो हमारे सेना के जवान थे, इनका एक 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 2500 सैनिक थे जो यहाँ आप यहाँ पर लोकेशन देख लेंगे, जम्मू और कश्मीर में आत्मघाती हमला हुआ है, CRPF के 37 जवान मारे गए हैं। जैश आतंकी, यह नाम याद या पूछा जा सकता है, बस में यह आतंकवादी थे, जैश आतंकवादी बस में विस्फोट से लादे वाहन को रोक देते हैं, जो 17 वाहन का एक काफिला जा रहा था, जिसमें करीब 2500 जो हमारे सेना के जवान थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उसमें यह हमला हुआ। जैसे आतंकवादी एक कार यहाँ पर हमारे जो काफिले ट्रक थे उनसे टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसमें इतने सारे जवान मारे गए। तो अभी यह गिनती चल रही है, बहुत सारे जवान घायल हैं, हो सकता है संख्या बढ़ जाए। तो बताया जा रहा है कि आज के इतिहास की सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है हमारी सेना के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर यह हुआ है, पुलवामा जिले के थैलपोरा इलाके में बमबारी ने भी कम से कम 8 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों में हिताहतों मामलों में यह सबसे बड़ा घातक हमला है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह हमला हुआ है। ट्विटर पर पोस्ट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नरसंहार हमले के लिए पाकिस्तान स्थित पाकिस्तानी समर्थित जैम को दोषी ठहराया है। CRPF के एक प्रवक्ता ने कहा हताहतों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है, 37 हताहतों की पुष्टि की गई है, घायलों को इस्पातों में भेज दिया गया है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए हैं, और एक तरीके से ये जो आतंकवादी गतिविधियां एक बढ़ती जा रही हैं इसका एक उदाहरण यहाँ पर है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों ने कहा है कि मरने वालों की संख्या की संभावना है, क्योंकि 8 घायल जवानों की हालत गंभीर है। घायलों को सेना के 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया है, एक अधिकारी ने यह कहा। एक सुरक्षा अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दोपहर 3:15 जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे 70 वाहनों में CRP के काफिले में 300 से 350 किलोग्राम विस्फोट से लदे एक स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन आया, क्योंकि राजमार्ग के बाद खुला गया, बर्फबारी के कारण सप्ताह भर में बंद था इसलिए से खोला गया था, तो वाहन आ रहा था, तो यह जो काफिला जा रहा था इस तरह से जा रहा था, इस तरफ से वाहन ने आकर इसको टक्कर मार दी, और उस टक्कर में जो भी वाहन था उसमें बम वगैरह रखे हुए थे, फिर उसके बाद भी विस्फोट हुआ, फिर भी बमबारी की गई।
इसमें इतने सारे वाहनों में करीब 2500 यहाँ पर हमारे आर्मी के जवान जा रहे थे, जिसमें से 37 जवानों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। 17 और 54 बटालियन के थे यार, ठीक है, याद रखें यह सीआरपीएफ के जवान। तो यह था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, इनके ऊपर हमें एक तरीके से शोक है हमारा कि यह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि काफी निंदनीय है। हमारे जो जो जवान शहीद हुए तो उनको उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। काफी काफी जवान तरीके जवान थे जो उनकी यहाँ पर एक तरीके से नपुंसक तरीके से यहाँ पर यह काम किया गया है इनके द्वारा। यहाँ पर इस तरह के ट्वीट वगैरह भी आ रहे हैं। इसी के साथ जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो है, देख लेते हैं, पादुकोण के लिए स्पोर्ट स्टार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो प्रकाश पादुकोण है, इनको जो बैडमिंटन खेलते हैं, को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि विराट कोहली जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को यहाँ स्पोर्ट स्टार एक के अवार्ड समारोह में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर क्रिकेट की प्रशंसा की है। यह हार्दिक हार्दिक प्रशंसा थी कि एक भव्य शाम को सितारों के दशकों से पहले पादुकोण ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया। तो यह याद रख सकते हैं कि कौन, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन यह खेलते हैं, तो इन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट स्टार स्पोर्टशिप अवार्ड यहाँ पर से नवाजा गया है। और भी बहुत सारे जो यहाँ पर थे इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसी के साथ यह था हमारा आज का डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और पीआईबी का वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।